सब्सक्राइब करें और दबाए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट बॉलीवुड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। तो आज कैलाश जी का बर्थडे है, सो क्या सरप्राइज है, क्या कुछ प्लान किया है, कुछ अलग? अरे मैंने तो कुछ नहीं प्लान किया है, लेकिन कैलाश जी ने ज़रूर हमारे लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे कैलाश जी। मुझे आपकी आवाज़ से तो बहुत पहले से ही प्यार है, ये बात आपको पता भी है, और इसलिए मैं आई हूँ आपको सपोर्ट करने। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आपको हमें गिफ्ट करना चाहिए कुछ, क्योंकि आपका जन्मदिन है, लेकिन हर साल आपके जन्मदिन पर आप हमें कुछ गिफ्ट करते हैं। और इस साल भी आपने AR डिवाइन और स्पर्श के साथ हमें दो ब्यूटिफुल लाइक न्यू बैंड्स ऑफर कर रहे हैं, जो आई एम श्योर अगर आपके चुने हुए होंगे तो दे गन बी रियली अमेजिंग। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट। ओके, कहले जी की आवाज़ को तो बहुत ही सराहा गया हमारे इंडिया में, और हाँ जी, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है। तो आपको क्या एक ऐसा क्वालिटी जो कहले जी की बहुत पसंद है? वो शिव भक्त हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी शिवाजी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और आई थिंक वो जब भी म्यूज़िक कंपोज करते हैं, वो अपने मेडिटेटिव और मेडिटेशन जोन में म्यूज़िक कंपोज करते हैं। मैं उनके स्टूडियो भी जा चुकी हूँ, और उनका माहौल वहाँ पे इतना पीसफुल, और ऐसा लगता है कि मतलब शिव जी के किसी आप जगह पे पहुँच गए हो, और उनके अंदर उनकी आत्मा है। तो आई जस्ट फील जब वो गाते हैं, लाइक ही रियली कनेक्ट्स विद गॉड। एंड आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट जो गाता है और जब वो सुर लगाता है तो ही शुड कनेक्ट विद गॉड। So, okay, I also like to congratulate, it's finally wrap for the total Dhamal 2. Yes, it's so a wrap. How was the experience? I think this has been the greatest opportunity for Niharika Raizada. Such a big film, itne achhe khase artists, Madhuri Dikshit, Ajay Devgan, Arshad Varsi ke saath mujhe bahut hi maza aaya. He's a fabulous guy and a good sport. Newcomer ko bilkul matlab support hi kiya unhone. तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, आप लोग दिसंबर में टोटल धमाल देखेंगे। तो आई होप यू हैव अ ग्रेट लाफ। इंदु जी ने कमाल किया है, और एक ब्लॉकबस्टर हिट है, मैं कह रही हूँ, सब कह रहे हैं। ओके, रिसेंटली आपसे फाइनेंस मिनिस्टर को मिल गया था, आज यूरोप में विजिट किया, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा कुछ बताना चाहिए। आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, लक्समबर्ग के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया आए। एक मीटिंग के दौरान हमारी मुलाकात हुई, और वो इंडिया और लक्समबर्ग के जो टाइज हैं, जो बायलैटरल टाइज हैं, वो उन पे बात करने आए थे। और उसमें मुझे भी मौका मिला उनसे बात करने का। उन्होंने मुझे सराहाया, बोला कि हम सबसे पहले लक्समबर्गिश इंडियन हैं जो एक बॉलीवुड फिल्म कर रहे हैं। तो ये बात सुन के उन्होंने कहा कि वो लक्समबर्ग में भी उसको रिलीज़ करना चाहेंगे, ताकि जो हमारी हल्की सी छोटी सी आबादी है 500,000 की, वो भी देख ले टोटल धमाल। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड के पियर घामेनिया यहाँ आए, and big hello, bonjour, and moyen to them. Okay, इसके अलावा आपकी वेब सीरीज भी आ रही है आलम करके, उसके हाँ बारे में थोड़ा अगर जाने अगर बता सके। ज़्यादा तो अभी नहीं बोल सकती, लेकिन एक नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज है, एंड अभी हम लोग उसको शूट ही कर रहे हैं, तो अगस्त सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा। Okay, अगर आप Now she's come finally, Ashita. Hello. We've been waiting for you. आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे, आप अलग मैम के साथ कर रही हैं, उसके बारे में जानना, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना। मेरा कैरेक्टर बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही अलग तरह का कैरेक्टर है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। मेरे जैसा है, बहुत काम है, बाकी आपको पता चलेगा सीरीज देख के। She is a lovely person. She has a great soul. Okay, like camera ke liye mat bol. Nice, such a way. Like trust me, I've never met such kind of person ever in this industry. Like she's amazing. एक सवाल एक फैन की तरफ से है, मैं आप उसके तरफ से मैं पूछ रहा हूँ। Okay. शिव दैट मूवी टोटल धमाल। हाँ जी। You know, also making a proud of India. आप French movie भी कर रहे हैं। हाँ जी। आप proud feel करवा रहे हैं। उसके बाद web series कर रहे हैं। हाँ जी। और भी इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे एक ही टाइम पे इतने सारी चीज कैसे? क्योंकि आज अगर आर्टिस्ट सिर्फ एक चीज करे तो उसका घर ना चले। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि क्योंकि मेरे में इतनी शायद खूबियाँ होंगी, इसलिए मैं कर रही हूँ। इसलिए ओके, आई विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। उनका म्यूजिक इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया इंडस्ट्री को उन्होंने, सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग। वी हैव अ ग्रेट टाइम आई होप। लेकिन कौन से? She's a great singer.
उनके कोई भी वो बस मैं उनका एक ही लाइन गाऊंगी, तेरी दीवानी दीवानी कैलाशी मैं तेरी दीवानी दीवानी. थैंक यू.